पुलिस पे हमला किया था, इस वजह से वो डर कर बस कहीं दूर जा कर गई है और अभी तक मिली नहीं है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे मैं 50,000 रुपये इनाम दूंगा। ये कबूतर इस तरह मेरे पास था जैसे मेरे पास बेस्ट फ्रेंड हो, दोस्त था मेरा। जैसे भी मुश्किल होती थी मुझे, मैं उसके साथ बातें भी शेयर कर देता था और कहीं जाता भी तो इसी के साथ चला जाता। तो ये इस तरह दोस्त था कि बस मतलब इसका कोई नहीं था। ये तकरीबन 20 दिन का था जब से मेरे पास था और आज तकरीबन 10 महीने का हो गया होगा। जहाँ भी मैं जाता था, पैदल होता था, बाइक पे होता था या गाड़ी में होता था, तो ये हमेशा मेरे साथ ही होते थे। यही भी मैं जाता दोस्तों के पास जाता था तो यही मेरे पास होती थी। ये तकरीबन बहुत ज़्यादा परेशान था, घर वाले भी खफा थे, अम्मी भी रो रही थी कि मेरा बेटा इस तरह है, ना कुछ कर रहा है, ना कपड़े चेंज कर रहा है। उस दिन मैंने जो कपड़े पहने थे ना इतवार के दिन, मैंने आज चेंज किए, वो भी अम्मी ने ज़बरदस्ती चेंज किए कि कपड़े तो चेंज करो, इसकी वजह से तो कबूतर वापस नहीं आएगा। सब इलाके में भी सब दुकानदारों को और कबूतर मार्केट में, कबूतर मंडी में सबको मैंने नंबर भी दिए, जिसको भी पता चले तो मुझसे रابطہ करें। उसका ट्रेनिंग तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा पालना होता है, उसकी अम्मी अब्बू नहीं होते तो अपने मुंह से दाना भी उसको देना पड़ता है। 20 दिन का होता है। फिर बाइक में चलाता हूँ तो उस टाइम उड़ता नहीं है, पहले तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उस टाइम किधर जब ये एक साइड पे चला जाता है, कभी दूसरे साइड पे चला जाता है, तो धीरे धीरे प्यार बढ़ता है मेरे साथ, तो फिर कहीं नहीं जाता।